हेलो फ्रेंड्स, सुबह का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सबको। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का 9 बज रहा है और अभी हम उठ करके कुछ थोड़ा सफाई कर रहे थे। तो फ्रेंड्स चलिए, और सुबह सुबह का टाइम है और चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग अपना। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलिए आज का मौसम दिखाते हैं। आज बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, और कल से बारिश नहीं हुआ है। परसों बारिश हुआ था और कल बारिश नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का यह मौसम आज दिखाते हैं। तेज है, ये देखिए कितना तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर। ये देखिए, और यहाँ पे घर बन रहा है। यहाँ पे देखिए काम हो रहा है, और यहाँ दिन भर काम होता है तो बहुत आवाज़ आता है, पूरे दिन काम होता है। और देखिए यहाँ सब कबूतर बैठा हुआ है, ये सब कबूतर बैठा हुआ है। ये देखिए, आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और गर्मी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ तेज़ धूप है। और हमारे धर्म में तो बहुत चिपचिपा गर्मी हो जाता था, यहाँ पे चिपचिपा गर्मी नहीं होता है। यहाँ पे तेज़ धूप है पर गर्मी नहीं है। और यहाँ देखिए गिर गया, ये वाला पॉट गिर गया, ये पॉट हमेशा गिरते रहता है, गिर जाता है हमेशा। और फ्रेंड्स यहाँ सारा साफ सफाई हो गया है। चलिए चाय बनाते हैं, तो चाय पीते हैं। यहाँ पे हम किए हैं गर्म पानी, तो ये हम गर्म पानी पियेंगे और यहाँ बना लेते हैं चाय। तो चीनी निकाल लेते हैं, चाय खोलने लगा है, आधी डाल दी है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पी रहे हैं ब्लैक टी, और सुबह सुबह हमको ब्लैक टी पीना ही बहुत, मतलब हम ब्लैक टी ही पीते हैं सुबह में, दूध वाला चाय हम बहुत कम पीते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जूही और बाबू सो रहे हैं, क्योंकि आज जूही का छुट्टी है, तो जूही सो रही है और बाबू भी सो रहा है। तो अब थोड़ी देर में उठाएंगे उन लोगों को और चाय पी करके जाएंगे नहाने के लिए, नहा करके फिर पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज नेक्स्ट डे है, तो फ्रेंड्स अभी हम बना रहे हैं नाश्ते में, बना रहे हैं भिंडी का भुजिया और पराठा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए सुबह सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सबको। इसमें डालते हैं भिंडी, ये
फ्रेंड्स, अभी सुबह का 9:30 बज रहा है और हम अभी नाश्ता बनाना शुरू किए। आज संडे है तो बच्चे सोए हुए हैं दोनों। चलिए और बाहर का मौसम दिखाते हैं। और ये रहा मौसम, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। और यहाँ हम कल कपड़ा डाले थे, अभी तक कपड़ा मेरा यहाँ पे है। सूख गया है कपड़ा और मौसम बहुत तेज़ धूप है। घर की सफाई सब हो चुकी है, दरवाजा खोल देते हैं। ये खुला रहने से ही जाना पूरा हवा आता है किचन में। ये दरवाजा खोल देते हैं। बना रहे हैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए। और अभी सुबह सुबह जब तक चाय ना पियो तब तक अच्छा नहीं लगता है, तो हम बना ले रहे थे चाय। और इधर हमारा भुजिया भी बन रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, बिल्कुल गर्मी नहीं है। मतलब बहुत अच्छा मौसम किया है, ना गर्मी है ना ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम है। और हमारे उधर में तो बहुत छिपछिपा गर्मी टाइप का लगता है, बहुत छिपछिपा गर्मी रहता था और इतना गर्मी लगता था, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और अच्छा भी लग रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। और उधर खुला रहता है बालकनी तरफ, तो पूरा अच्छा आता है हवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और मौसम तो फ्रेंड्स, चलिए चलिए बने रहिए। अभी तो हम चाय पी रहे हैं और बने रहिए ब्लॉग में और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। चलिए, अभी जूही सोई हुई है, उठेगी तो भिंडी का भुजिया और पराठा बना देंगे तो बहुत खुश हो जाएगी। वाह बोलेंगी, वाह मम्मी, उसका फेवरेट है भिंडी का भुजिया और पराठा, तो उसको बहुत पसंद है। बोलेंगी वाह मम्मी, बहुत अच्छा तुमको सुबह सुबह आज बना दी भिंडी का भुजिया और पराठा। इस संडे के दिन ही उसको टाइम मिलता है, संडे और सैटरडे संडे को ही टाइम मिलता है कि घर में वो खाना खाए, नहीं तो सुबह जाती है तो बिल्कुल रात हो जाता है आने में। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा हम बाहर भीतर करते रहते हैं, आदत है ना। अपने घर पे तो गार्डन में पूरा घूम लेते थे, यहाँ तो घूमने का भी जगह नहीं है। यहाँ तो बस बालकनी है, बस इसी में थोड़ा सा निकलते हैं और बाहर भीतर कर लेते हैं बस। वाला जीतिया निकाल देंगे, ये जीतिया जो धागा वाला है ना उसको निकाल देंगे और ये वाला पहने रहेंगे, तो ये वाला निकाल देंगे। अब हमारा एक सप्ताह होने जा रहा है जीतिया का, और हमारे आया हुआ भी एक सप्ताह हो गया है। यहाँ पे आया हुआ हैदराबाद आया हुआ भी मेरा एक सप्ताह हो गया है। गूंद लेते हैं और आटा गूंदने के लिए कुछ नहीं है, इसमें ही गूंदते हैं आटा। चलिए आटा गूंद लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आटा गूंद लिए हैं और आटा गूंद करके रख दे रहे हैं, और जूही और बाबू उठेंगे तो उन लोगों को पराठा बना करके देंगे, क्योंकि बाबू को गरम गरम ही पराठा चाहिए, मतलब उसको चाहिए तो गरम गरम पराठा बनाएंगे। अभी उठे नहीं हैं दोनों, तो देखिए उठते हैं। तो आटा गूंद के रख लिए हैं, इसको ढक के रख देते हैं, जब वो दोनों उठेंगे बना करके दे देंगे। और चलिए अभी हम जा रहे हैं, बहुत सारा काम है तो कर लेते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सब नहा लिए हैं, नहा धो लिए हैं और पूजा भी कर लिए हैं, तो दिखाते हैं।
हमारा पूजा भी हो गया है और जूही और बाबू उठ गया है, दोनों तो जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। पराठा बनाएंगे अभी, तो पराठा भुजिया दोनों खाएगा। और आज हम खाना नहीं बनाएंगे, बस वही पराठा भुजिया हम लोग खा लेंगे और वही खाना हो जाएगा हम लोग का। पराठा बना लेते हैं और आटा कप से गूँ के रखे हुए थे और उन लोग उठा है अभी, तो बज रहा है 12:30 हो रहा है और 12:30 में उठा है लोग, तो अब हम चलते हैं पराठा और भुजिया बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं पराठा और भिंडी का भुजिया। भिंडी फ्राई रेडी है, ये पराठा बन रहा है। और अब जूही तो खाएगी, खाएगी फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के लिए बस इतना। ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं, तब तक लिए बाय।